दोस्तों जनवरी और फरवरी यानी कि ये दो महीने वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर बिल्कुल सूखा गया है। मतलब कोई वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च नहीं हो पाई है इन दो महीनों के भीतर। लेकिन दोस्तों जो आने वाला महीना है मार्च, तो मार्च में भारतीय रेलवे फिर से एक बड़े लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। और ऐसे में लॉन्चिंग की तैयारी से लेके जो रूटों पर सर्वे का काम है जिन पर वंदे भारत लॉन्च होने वाली है, इन पर भारतीय रेलवे ने काफी फोकस किया है अभी के टाइम में। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दो रूटों का जो नाम है वो वंदे भारत के लिए निकल के सामने आया है। और ये जो दोनों रूट है इन पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे कर रही है। और इसका जो जानकारी है वो रेलवे के अधिकारियों ने खुद दिया है। वही दोस्तों कौन है दोनों रूट और कब होने वाली है लॉन्चिंग, सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों वैसे तो पूरे देश में वंदे भारत का क्रेज काफी ज्यादा है और जिस रूट पर भी वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करी जाती है उन रूट में से जो ज्यादातर रूट्स होते हैं उन पर ये गाड़ियां सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जहां पर गाड़ियां फेल्योर भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में जितनी भी वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करी जाती है ऑलमोस्ट सभी बहुत बड़ी सक्सेसफुल साबित होती है। और इसीलिए दोस्तों हमारे जो इंडियन रेलवे है वो भी साउथ को दिल खोल के वंदे भारत ट्रेनें देती है। और एक्चुअली दोस्तों ये जो दोनों रूट आए हैं वंदे भारत के लिए, ये जो दोनों रूट हैं इनमें से किसी एक रूट पर ये वंदे भारत चलने वाली है। मतलब यहाँ पर रूट दो हैं लेकिन जो ट्रेन है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही मिलने वाली है। तो ये जो दोनों रूट पर कंफ्यूजन है वो होपफुली बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा और इन्हें दोनों रूट में से किसी एक रूट को ये वंदे भारत मिलने वाली है। दोस्तों हमारी जो वंदे भारत है वो कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने वाली गाड़ी मानी जाती है। इसीलिए इसमें सफर करने के लिए जो रेल यात्री है उनमें एक अलग ही एक्साइटमेंट देखी जाती है। हर यात्री चाहता है कि एक नई वंदे भारत ट्रेन उनके शहर को मिले, उनके रूट से भी गाड़ी गुजरे। ऐसे में दोस्तों वंदे भारत के चहेते जो रेल यात्री हैं उनके लिए काफी बड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल दोस्तों ये जो गाड़ी है वो केरल में चलने वाली है। मतलब ये केरल के दो रूट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वंदे भारत के लिए और इन्हें दोनों रूट में से किसी एक रूट पर ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। दोस्तों भारतीय रेलवे के अधिकारी एर्नाकुलम से बेंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम से कोयम्बटूर वाले रूट पर एक नई वंदे भारत को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हाल ही में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड वाली जो वंदे भारत है उसको मंगलुरु तक विस्तार कर दिया गया है। मतलब इसका जो एक्सटेंशन है उसको रेलवे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, जिससे जो रेल यात्री हैं उनको काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है। और अब दोस्तों तिरुवनंतपुरम डिवीजन को एक और नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। दोस्तों हमारा जो केरल राज्य है इस राज्य में जितनी भी वंदे भारत चलती है सभी काफी बड़ी सुपर हिट साबित होती है और यही वजह है कि भारतीय रेलवे केरल को भी जमकर वंदे भारत की सौगात देने वाली है। दोस्तों केरल का एक मीडिया एजेंसी है मनोरमा, उसके रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय से एर्नाकुलम से बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत ट्रेन की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस की कोई सुविधा न होने के कारण इसे अभी तक प्रदान नहीं किया जा सका रेलवे की तरफ से। हालांकि एर्नाकुलम में एक विद्युतीकरण पिट लाइन जल्द ही चालू होने वाली है। दोस्तों केरल के एक सांसद हैं हेबी ईडन करके, उन्होंने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बेंगलुरु और एर्नाकुलम वाले रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की जरूरत के बारे में बताया है। और इसमें दोस्तों ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि अगर ये ट्रेन सुबह 5 बजे बेंगलुरु से चलाई जाती है तो काफी यात्रियों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे भी इन दोनों रूट पर विचार कर रही है कि किस रूट पर वंदे भारत को उतारा जाए। यहाँ पर जो सबसे पहला रूट है वो हो जाता है एर्नाकुलम से बेंगलुरु वाला और यहाँ पर दूसरा रूट हो जाता है तिरुवनंतपुरम से कोयम्बटूर वाला। और इन्हीं दोनों रूट में कंफ्यूजन बना हुआ है अभी रेलवे के पास, आखिर वंदे भारत को किस रूट पर लॉन्च किया जाए। हालांकि ये जो कंफ्यूजन है वो भी बहुत जल्दी दूर होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम लॉन्चिंग की कि आखिर कब लॉन्चिंग होने वाला है इन दोनों रूट में से किसी एक रूट पर, तो देखिए जो कंफ्यूजन है वो बहुत जल्दी ही दूर होने वाला है। और ऐसे में जो आने वाला लॉन्चिंग है जो कि मार्च महीने में आपको देखने को मिलेगा, इसी लॉन्चिंग में इन दोनों रूट में से किसी एक रूट पर जो वंदे भारत है जो कि नई होगी वो आपको दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारी जो भारतीय रेलवे है उसको भी अच्छी तरह से पता है कि केरल में लॉन्च होने वाली जितनी भी वंदे भारत है ये ऑलमोस्ट सुपर हिट है और ये जो नई वंदे भारत लॉन्च करने की तैयारी है वो भी केरल वाली ही है। तो ऐसे में इस वंदे भारत का भी सुपर हिट होना तय है। इसलिए जो भारतीय रेलवे है वो भी बस फंसी हुई है कंफ्यूजन में रूट को लेकर। जैसे ही कंफ्यूजन दूर होगा उसके बाद दोस्तों केरल को एक और नई वंदे भारत देखने को मिल जाएगी। और रिसेंटली आपने देखा कि टीबीसी से जो कासरगोड वाली वंदे भारत है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मंगलुरु तक। ऐसे में दोस्तों जब ये गाड़ी कासरगोड तक ही चलती थी तब भी इसमें जो
हाई ऑक्यूपेंसी रेट है वो देखने को मिलता है। ऐसे में गाड़ी अब आगे मैंगलुरु तक जाने वाली है। ऐसे में इसका जो उम्मीद जताई गई है कि इसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो यहाँ पर और भी बढ़ने वाला है। और कई रेल यात्रियों का तो ये भी कहना है जो कि रेगुलर पैसेंजर है इस रूट पर, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी मैंगलुरु तक एक्सटेंड हो गई है। तो ऐसे में इस गाड़ी में अब सीटें मिलना भी मुश्किल होगा। फिलहाल दोस्तों ये जो लॉन्च होने वाली वंदे भारत है जिसके लिए दो रूट पर कंफ्यूजन जारी है, इसके लिए बेस्ट रूट क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे इसको लेकर कुछ नया अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।